ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। कहानी का शीर्षक है विरोध का सामना कैसे करें। गंगा के तट पर एक संत अपने शिष्यों को दे रहे थे प्रवचन। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी यदि हम आपको एक प्रश्न पूछे तो चलेगा? यदि हम कुछ नया कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं पर समाज उसका विरोध करता है तो हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कुछ सोचा और बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं कर लूँगा। अगले दिन जब सभी शिष्य नदी के तट पर एकत्रित हुए तो गुरुजी बोले, आज हम एक प्रयोग करेंगे। इन तीन मछली पकड़ने वाली डंडियों को देखो, ये एक ही लकड़ी से बनी है और बिल्कुल एक समान है। उसके बाद गुरुजी ने उस शिष्य को आगे बुलाया जिसने प्रश्न किया था। गुरुजी ने निर्देश किया, पुत्र ये लो इस डंडी से मछली पकड़ो। शिष्य ने डंडी से बंधे कांटे में आटा लटकाया और पानी में डाल दिया। फौरन ही एक बड़ी मछली कांटे में आ फंसी। गुरुजी बोले, जल्दी पूरी ताकत से बाहर की ओर खींचो। शिष्य ने ऐसा ही किया। उधर मछली ने भी अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, फलतः डंडी टूट गई। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, ये दूसरी डंडी ले लो, इससे पुनः प्रयास करो। शिष्य ने फिर से मछली पकड़ने के लिए कांटा पानी में डाला। इस बार जैसे ही मछली फंसी, गुरुजी बोले, आराम से एकदम हल्के हाथ से डंडी को खींचो। शिष्य ने ऐसा ही किया पर मछली ने इतनी जोर से झटका दिया कि डंडी हाथ से छूट गई। गुरुजी बोले, ओहो लगता है मछली बच निकली, चलो इस आखिरी डंडी से एक बार फिर से प्रयत्न करो। शिष्य ने फिर वही किया पर इस बार जैसे ही मछली फंसी, गुरुजी बोले, सावधान इस बार न अधिक जोर लगाओ न कम, बस जितनी शक्ति से मछली खुद को अंदर की ओर खींचे उतनी ही शक्ति से तुम डंडी को बाहर की ओर खींचो। कुछ ही देर में मछली थक जाएगी और तब तुम आसानी से उसे बाहर निकाल सकते हो। शिष्य ने ऐसा ही किया और इस बार मछली पकड़ में आ गई। क्या समझे आप लोग? गुरुजी ने बोलना शुरू किया, ये मछली उस समाज के समान है जो आपके कुछ करने पर आपका विरोध करता है। यदि आप इनके खिलाफ अधिक शक्ति का प्रयोग करेंगे तो आप टूट जाएंगे। यदि आप कम शक्ति का प्रयोग करेंगे तो भी वे आपको या आपकी योजनाओं को नष्ट कर देंगे, लेकिन यदि आप उतने ही बल का प्रयोग करेंगे जितने बल से वे आपका विरोध करते हैं तो धीरे धीरे वे थक जाएंगे, हार मान लेंगे और तब आप जीत जाएंगे। इसलिए कुछ उचित करने में जब ये समाज आपका विरोध करे तो समान बल प्रयोग का सिद्धांत अपनाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। नोट, इस कहानी में वर्णित संत और उनके शिष्य द्वारा मछली पकड़े जाने की बात से किसी को आपत्ति हो सकती है कि कोई संत होकर दूसरे जीवों को हानि कैसे पहुंचा सकते हैं। इसलिए यह पेज स्पष्ट करना चाहते हैं कि बहुत सी कहानियां किसी स्थिति विशेष को समझाने के उद्देश्य से बनाई जाती है, जो कि इस कहानी में विरोध का सामना कैसे करें ये है। अतः इस कहानी को उसी संदर्भ से समझें। अच्छा, ओम शांति।